हूँ, हर उस व्यक्ति आपने ने जोड़ी थी गांधी हमें साधना जी, नजर मैंने नहीं जोड़ी, आपने ही नहीं, 2 अक्टूबर आपने का उसके बाद एग्जाम्पल में दिया था, मैंने नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये कह रही हूँ हमें हर उस व्यक्ति में गांधी दिखता है जो गांधीवादी विचारधारा पर चलता है, जो वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, जो कि ये चाहता है कि संतुलन बना रहे वसुधैव कुटुंबकम, लोकतंत्र का मूल मंत्र। तो G20 का नारा था ये, मोदी जी का नारा है, मतलब आपको मोदी जी में भी गांधी जी दिख रहे हैं? नहीं, मोदी जी का कोई नारा नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम G20 का नारा था भाई, मूल वाक्य का नाम तो वसुधैव कुटुंबकम संसद के प्रवेश पक्ष में लिखा हुआ है, ये मोदी जी ने इजाद नहीं किया था। हम ये कह रहे हैं कि हम इतना चाहते हैं, आप कह रहे हैं अरे प्रकृति भी असंतुलन जब हो जाता है तो उसमें भी गड़बड़ी आ जाती है, तो लोकतंत्र में तो असंतुलन की जगह ही नहीं है, लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है ना भाई, हम तो लोकतंत्र के साथ चल रहे हैं और ये काम हमने शुरू नहीं किया। हम तो ये कह रहे हैं कि जब राम मंदिर आंदोलन हुआ तब कौन आ गया है? आप तो उस टाइम के सबसे बड़े पत्रकारों में सम्मिलित रहे, आपने उस आंदोलन को बहुत करीब से देखा आदरणीय दीपक जी, उस समय ओबीसी एससी एसटी, जब आपको झगड़ा कराना है, लड़ाई करानी है, तलवारें तनवानी है तो ओबीसी आओ, दलित आओ, आदिवासी आओ, जब राम मंदिर का ट्रस्ट बनेगा तो चयनित करके गॉडसेवादी अल्पसंख्यक अगड़ों को वहां बिठाया जाएगा, राम मंदिर के भूमि पूजन में भी पिछड़ों को नहीं बुलाया जाएगा, एक ट्रस्टी का नाम बता दे तो मैं मान जाऊंगी। तो आज भाजपा आगे आए और पिछड़ी कद्दावर उमा भारती जी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाए और वयोवृद्ध अडवाणी जी को, वयोवृद्ध मोदी जी को जो 73 वर्ष के, जैसे अडवाणी जी को भेजा था मार्गदर्शक मंडल में, वैसे ही अब मोदी जी को भेज दिया जाए, तो इसमें गड़बड़ क्या है? हम तो कह रहे संतुलन बनाइए, मोदी जी अपने को राम मंदिर के शिलान्यास करता कामेश्वर चौपाल अनुसूचित जाति से आते हैं। ठीक है साधना भारती जी, बस हो गया, आपका टाइम खत्म है। अब देखिए मैं सीधे प्रेम रंजन जी के पास चलता हूँ, प्रेम रंजन जी बताइए कामेश्वर, कामेश्वर जी किस जाति से आते हैं और क्या वो ट्रस्ट में है कि नहीं है? राम मंदिर के निर्माण में ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण में जो ऐसे कोई पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं, अरे उनको जानकारी होना चाहिए। हाँ, आपने तो राम जी के जो ऐसे काल्पनिक बताया था, आपने कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि कोई जन्म स्थान उनका है ही नहीं, राम काल्पनिक है, और हमने राम मंदिर के शिलान्यास कराया तो दलित वर्ग से आते हैं कामेश्वर चौपाल जी, उन्होंने जो ऐसे उनका शिलान्यास किया था और पूरे ट्रस्ट में भी जो ऐसे उस ट्रस्ट में वो प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, और भगवान राम तो सबके हैं, सबके हैं भगवान राम। और जहां तक है कि आप सब लोगों ने जो ऐसे केवल अपने सत्ता में केवल पिछड़ों को आपने और दलितों को कमजोर तबके के लोगों को केवल झांसे में रखने का काम किया, कभी उनकी को महत्व नहीं दिया, कभी सत्ता में भागीदारी नहीं दी, कभी हिस्सेदारी नहीं दी, कभी आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बनाए, कई उनके पदों पर आपने नहीं रखने का काम किया, अरे हम लोगों ने राष्ट्रपति से लेकर करके और हर जगह पर जो है उन कमजोर तबके के लोगों को, चाहे वह अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, अगर राष्ट्रपति बनाने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है, इस काम को किया है, हम लोग सबका विकास सबका सम्मान चाहते हैं, सबका उत्थान चाहते हैं, मैं जवाब देना चाहूंगी, हमारा नारा ही अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का अभ्युदय, जो समाज के सबसे तबे कुचले कमजोर तबके। ठीक है आप दिखा दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना बनाया है, चाहे जितनी प्रकार की, वो जवाब देना चाहूंगी आदरणीय दीपक जी, ठीक है साधना जी जवाब दीजिए, फिर मैं उसके बाद जाऊंगा धीरेंद्र कुमार जी के पास। तो किन के लिए? हाँ देखिए आदरणीय रंजन जी, अब मेरा समय है, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको लोगों को मिल रहा है, आदरणीय रंजन जी आप दीपक जी ने शांत करें प्लीज, मैं तब अपनी बात रखूंगी, बीच में बोलते रहेंगे तो कैसे आवाज जाएगी? अगर जो ऐसे किन आप, अरे भाई शांत हो जाइए आदरणीय दीपक जी प्लीज, इन्हें शांत करें। अच्छा प्रेम जी, प्रेम जी, प्रेम जी रुक जाइए, रुक जाइए प्रेम जी, रुक जाइए, रुक जाइए, आपका वक्त खत्म हो गया है, मैं सीधे साधना भारती जी के पास चलता हूँ। साधना जी बताइए उन्होंने क्या दिया भाई कामेश्वर चौपाल, उन्होंने ही तो जब सब पहली कार सेवा हुई थी उसके लिए शिला पूजी थी, और अभी ट्रस्ट में है। मैं तो कह रही हूँ विनय कटियार जी कहाँ है, साध्वी रितंबरा जी कहाँ है, साध्वी उमा भारती जी कहाँ है, क्या बुलाया गया था बताइए, क्या है ट्रस्ट में? और दूसरी बात, इन्होंने राम की बात कही, ये कह रहे हैं राम सबके हैं, यही आदरणीय उमा जी कहती हैं, यही मैं भी कहती हूँ, यही पूरा देश कहता है, राम तो सबके हैं, लेकिन फिर क्यों मोनिका बट्टी, जिनके पिता मनमोहन शाह ने रावण का मंदिर बनाया, उनकी बेटी मोनिका बट्टी को क्यों टिकट दे दिया छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से भाजपा ने? इसका मतलब भाजपा तो रावणवादी हो गई। अरे वो गोडसे का मंदिर बनाने वाला भी कांग्रेस में है साधना भारती जी, अरे तो उसने विचारधारा बदल कर आना चाहता, गोडसे का मंदिर बना दिया और कह रही विचारधारा बदल लिया कांग्रेस में आ गया। अरे आपको पता है ना मध्य प्रदेश में गोडसे का मंदिर जिसने बनाया वो कांग्रेस में है? नहीं नहीं नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो कह रहे हैं अगर कोई गॉडसे की विचारधारा बदल कर आना चाहे तो आ जाए, हम तो स्वागत करते हैं। आपके लिए मतलब आप भी बदल, अभी यही आरोप प्रधानमंत्री जी पे लगा रहे थे कि जाति गिनाते हैं। मैं एक मिनट मैं पूरी बात कर लूं। दूसरी बात मैं कहूंगी, संजय निषाद जिन्होंने कहा माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाते हुए भगवान राम जी तो दशरथ के पुत्र नहीं है, उन पर आज तक कार्रवाई नहीं कर पाए। राम की तुलना राम से करने वाले नरेश अग्रवाल को भाजपा ने राज्यसभा भेज दिया। उसके बाद महेश शर्मा जी ने माता सीता जी का अस्तित्व नकार दिया और उमा भारती जी ने खुद ये कहा कि महिला आरक्षण बिल जिस तरीके से हुआ है वो सही नहीं है, उसमें ओबीसी का होना चाहिए था, जगह मिलनी चाहिए थी। तो हम तो कह रहे हैं आप ही तो वादा करते थे जातिगत जनगणना का, साहब आपने ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कह दिया कि जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, जटिल प्रक्रिया है। तो ये बताइए अब आप क्या रहे, सही है यहाँ प्रवक्ता बैठकर तो मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो हम तो कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर आप दे दीजिए आरक्षण, उसमें परेशानी क्या है। 63 आपने क्यों नहीं जारी किया था 15 2011 में जाति आधारित गणना कराई गई थी, आप उसका क्यों नहीं जो ऐसे रिपोर्ट जारी किए, क्या कारण था इसलिए जो ऐसे आप बता दीजिए, जरा बता दीजिए आपने क्यों नहीं जारी किया। आप जारी कर साधना जी आपने गिनवाया था लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए थे 2011 में, आपने की थी जनगणना लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए थे। अरे आदरणीय सरकार तो इतने समझदार और वरिष्ठ पत्रकार है, क्या आंकड़े क्या उसी दिन आ जाते हैं क्या? भाजपा की सरकार 2011 में जब जनगणना हुई उसके बाद 3 साल तक आपकी सरकार रही, 3 साल तक, 3 साल तक आप चाहती तो आंकड़े जारी कर सकती थी। अरे आंकड़े क्यों नहीं जारी किए भाई साधना भारती जी, आंकड़े क्यों नहीं जारी किए? हम नहीं जारी कर सकते हैं। आदरणीय दीपक जी हमारी सरकार जब गई इनकी सरकार थी ना, वादा करने वाले लोग आपने पिछड़े, अरे आपने जब गिनवा दिया था तो आंकड़े क्यों नहीं जारी किए बताइए ना साधना भारती जी, तब आपको गांधी जी याद आ गए। गलती थी हमारी, नहीं की हमने, हटे हम सरकार से, अब मान लिया ना गलती, मान ली ना, देखिए नहीं चाहते थे, नहीं चाहते थे ये आंकड़े आए, ये सच्चाई है कि आप नहीं चाहते थे कि आंकड़े आए जो कमजोर तबके के हैं, पॉलिटिकल पार्टी में बल्कि शोषित है, उनको आपने सत्ता में रहते कभी हिस्सेदारी नहीं दिया, कभी भागीदारी नहीं दिया। आज जो ऐसे सत्ता से जब उतर गए तब बहुत याद आ रहे हैं पिछड़े, अति पिछड़े, कमजोर तबके के लोग तब याद आ रहे हैं। और वयोवृद्ध है मोदी जी, 73 साल के हो गए हैं, जब तक सत्ता में रहे तब तक जो है केवल उनको वोट में। अच्छा ठीक है रुक जाइए अब इसको फ्री फॉर ऑल मत बनाइए, मैं सीधे धीरेंद्र कुमार जी के पास जाता हूँ। धीरेंद्र जी देखिए बात यहाँ पर